हालात सर जी बहुत बुरे हैं यहाँ के। ये एक्चुअली यहाँ क्या भी होता है, कई बार स्कूटी से मैं भी गिरी हूँ। और ये सड़क एक साल पहले बनवाई थी विधायक साहब ने और ये सारी की सारी टूट गई एक साल के अंदर। और सबसे मेन बात, इस रोड पर हमारे लीला जो हमारे विधायक हैं उन्हीं का ऑफिस है, घर मकान है, वो ध्यान नहीं देते। इतना काम करा देंगे अगले एमएलए में, उनके टंकी भी लागेंगे और बल्ब नहीं चढ़ेंगे और वो साक्षात घर में असली यही काम हो गया। विधायक जी से तो हमें बहुत उम्मीद है पर होता तो नहीं है। क्यों पीछे रह रहे हैं? चलिए माप लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नमस्कार, फिलहाल कैथल के सोरवाला मार्ग यानी कि कैथल के जो विधायक है लीलाराम जी उनके निवास स्थान वाला जो मार्ग है वहां पर मौजूद हूँ। विधायक लीलाराम द्वारा और भाजपा सरकार द्वारा अनेकों दावे किए जा रहे हैं विकास के कि हमने सबका सम्मान रूप से विकास करवाया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन जनाब आप अपने घर के बाहर का रोड नहीं बनवा पा रहे तो शहर की समस्याएं कैसे दूर करेंगे? शहर में किस तरह का विकास हो रहा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जिस मार्ग पर खड़ा हूं उसके हालात आपको मैं दिखाऊंगा। यहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर विधायक लीलाराम का निवास स्थान है, लेकिन मात्र 25 कदम की दूरी का ये रोड वो नहीं बनवा पा रहे। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि वो अपने घर के सामने वाला रोड नहीं बनवा पा रहे? तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो सुर्खियों में रहते हैं हर दिन समाचार की सुर्खियों में रहते हैं कि विधायक लीलाराम द्वारा आज उस गली का उद्घाटन कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन जनाब आपके खुद का मार्ग कब बनेगा ये सवाल बड़ा खड़ा करती है, क्योंकि आप जब तक अपने खुद के मार्ग का निर्माण नहीं करवा पाते तब तक किस तरह से आप बनवा पाएंगे? मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि मात्र 25 दूरी का ये रोड होगा, 25 कदम की दूरी का ये रोड होगा, हम कदम भी जरा माप लेते हैं कि कितने कदम की ये दूरी तय करता है और इस कदम की दूरी को कितना टाइम और लगेगा बनवाने में। यहाँ से इस रोड के हालात हम देख लेते हैं, इस रोड से लेकर कितनी दूरी है वहाँ तक ये कितने पैसे लगेंगे, करोड़ों के दावे किए जा रहे हैं लेकिन कहाँ वो दावे पूरे हो रहे हैं। चलिए हम कदम माप लेते हैं, मात्र कितने कदम की ये सड़क जो है वो बननी है और उसको बनवाने में आखिरकार विधायक क्यों हिचकिचाते हुए नजर आते हैं या क्यों पीछे रह रहे हैं? चलिए माप लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
विधायक जी करोड़ों रुपए नहीं, इस पर मात्र लाखों रुपए की लागत से ये रोड बन जाना है। एक साल पहले इस रोड को बनाया गया था, लेकिन 3 महीने इस रोड को टूटे हो गए, ये हालात हैं ऐसे। आखिरकार क्या ठेकेदार द्वारा इस रोड को सही बनाया गया? एक नियम भी तय होना चाहिए कि जो भी ठेकेदार इन सड़कों को बनाता है उनको कम से कम 2 साल तक इनकी मेंटेनेंस का खर्चा भी जो वो ठेकेदार के हिस्से में आना चाहिए, क्योंकि जब मटेरियल लगाया जाता है तो उस समय सही मात्रा में जो है वो एमसीबी है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मौके पे एमसी महोदय भी हमारे साथ है, राजकली भाटिया जी हैं। मैडम हालात कैसे हैं सड़क के? बहुत बुरा हालात जिले में। मैम आज नीचे लो जी, मौके के एमसी हैं राजकली भाटिया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी फिलहाल ये इसी रास्ते से गुजरे हैं, इनसे जान लेते हैं। मैडम हालात किस तरह के हैं? बहुत बुरे हाल है जी। मान ले कोई ऑपरेशन करा के लेडीज आ जाए खड्डे जाए, उसका तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लाखों करोड़ों रुपए की बातें कही जा रही है विकास की, हमने अनेकों विकास करवा दिए, क्या विकास इस तरह के होंगे? जब लीला रामा एमएलए जी है और उसके सामने को ऐसा बुरा हाल है सड़क का भी, सफाई के बारे में भी, तो हमारे जैसे क्या करेंगे? तो और शहर का क्या कैसा हाल होगा? ये अंदाजा लगाया जा सकता हाँ, है। बहुत तो बढ़िया है। आपको विधायक जी भी सुन रहे हैं, जिला प्रशासन भी आपको सुन रहा है,
तो क्या अनुरोध करना चाहेंगे इस रोड को लेकर? हाँ जी, बनना चाहिए सबके लिए, होएगा अनुरोध तो होएगा, इसमें क्या दिक्कत है? एमएलए भी हमने बनाए हैं, विधायक जी का घर भी मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। इसके सामने तो बहुत बढ़िया साफ रोड होना चाहिए था ना। जब विधायक जी घर अपने घर के सामने वाला रोड नहीं बनवा पा रहे तो हमारे वाले क्या होंगे, आप वाले कहाँ होंगे? बड़ा सवाल खड़ा करते हैं विधायक जी आपकी कार्यशैली पर, पार्षद महोदय है राजकली भाटिया वार्ड नंबर 5 से, कि जब आपके सामने वाला रोड आपके घर के वाला रोड नहीं बनवा पा रहे तो हमारे रोड कहाँ बनेंगे, हमारी गलियां नाड़ियां कहाँ बनेंगी? तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि ये रोड बनवाना कितना जरूरी आपके लिए भी है, क्योंकि जो वादे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौके पे लोग मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है जी? दलवीर सिंह है जी, यही कैथल से जी, मॉडल टाउन में। ये जी हमारा घर भी है, दुकानें भी है यहाँ, और ये सड़क एक साल पहले बनवाई थी विधायक साहब ने, और ये सारी की सारी टूट गई एक साल के अंदर। वो कहावत थी ना पहले, भाई रणदीप जी मंत्री थे, एमएलए थे, भाई इतना काम करा देंगे अगले एमएलए में तो उनके टंकी भी लागेंगे और बल्ब नहीं चढ़ेंगे, और वो साक्षात्कार में असली यही काम हो गया ना, तो कोई सड़क के टंकी लग रही, ये सारी ये ट्यूब है ना जो स्ट्रीट लाइट है ये भी सारी बंद रहती है, खराब है वो, पड़े पोल टूटे पड़े आपके सामने देखो। सड़क कितने टाइम पहले बनी थी? ये करीब एक साल होया है। अच्छा, कौन सा रोड है ये? ये चरणदास मार्ग है, विधायक लीला राम जी वाला है। अच्छा, विधायक की कोठी? हाँ, विधायक की कोठी है इसके ऊपर। विकास के दावे किए जाते हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि करोड़ों के विकास हमने हर जगह करवा दिया, अपना रोड बनवा नहीं पा रहे, कहीं दिखता नहीं विकास, ये तो दिख रहा सामने जी, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है कितना विकास होया है। जो दावे कर रहे वो सब खोखले हैं दावे जी। अच्छा। जितने दावे हो रहे सब खोखले हैं, यहाँ तो चोट लग ली कईयों के, तो ये एजेंसी वाले यहाँ से मोटरसाइकिल लेने आते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं यहाँ। ये कल भी हो देखो, जो आपके सामने मोटरसाइकिल खड़ी है, मेरी बाइक खड़ी थी जी, वो भी टूट गई है, बल्कि यहाँ एकदम गिरदे चोट लगी इसके जी। मात्र 500 कदम की दूरी पे विधायक का घर है, कह लेते हैं विधायक साहब भी सैर करने भी जाते हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं, हम तब भी कह देते हैं रकबा के सारे इकट्ठे हो गए, कई बार कह लिया है जी लारे लगाता है, हो रहे नहीं है। और भाजपा के काफी लोग जो जिनका सीधा डायरेक्ट सरकार से संबंध है वो लोग भी यहाँ जी, मुनीष कठवाड़ जी भी इसी सड़क पर रह रहे हैं, वाइस चेयरमैन थे जो जिला परिषद के, वो भी यहीं रहते हैं, उनको भी बोल लिया कई बार, वो कहते हैं भाई विधायक साहब कराएंगे काम, ना विधायक रह रहे हैं ना और कोई करवा रहे हैं उसको। तो उम्मीदें हैं? ना जी अभी कोई उम्मीद नहीं है, जब वो नहीं रहा है तो प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से यही मांग है भाई इसको जल्दी जल्दी ठीक करवाया जाए ताकि लोग आराम से निकले, यहाँ एक्स एमएलए भी एमएलए भी सारे यहीं से निकलते हैं। तो कितने की कितना टुकड़ा है, कितना लंबा टुकड़ा रहता? ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर का है जी, ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है। हाँ जी, इसको करवाया जाए बस यही मांग है हमारी तो जी। सीमा नाम है सर, रोज आना जाना रहता है यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल, हालात सर जी बहुत बुरे हैं यहाँ के, यहाँ एक्चुअली यहाँ क्या भी होता है, कई बार स्कूटी से मैं भी गिरी हूँ। और सबसे मेन बात, इस रोड पर हमारे लीला जो हमारे विधायक हैं उन्हीं का ऑफिस है, घर मकान है, वो ध्यान नहीं देते, डेली से उनका आना जाना है यहाँ पे, ये चीज़ का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म है यहाँ की। तो सड़क के हालात देख कर क्या लगता है, विकास वैके में कैथल में हो रहे हैं जो? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, और ना ही हमें कोई उम्मीद है। क्या मांग है, क्या मिले भी हैं विधायक से इस बारे में कई बार? सर मिले तो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे हमारे कहते पहुँचाई गई है, जैसे सर का मकान है, क्योंकि हम तो यहाँ पे जॉब करते हैं, हमें इस चीज़ से बहुत परेशान है, लेकिन हमारी कोई ऐसा कोई सुनवाई नहीं। एक्सीडेंट रोज देखने को मिलते होंगे यहाँ सर जी? गिरते हैं, डेली का काम है यहाँ, रोज एक्सीडेंट होता है। ये जो समय पहले ही सड़क बनी थी कोई? सर जी सड़क को बनने का तो काफी एक साल सारा हुआ होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या मांग करते हैं और कितनी उम्मीदें हैं विधायक जी से? विधायक जी से तो हमें बहुत उम्मीद है, पर होता तो नहीं है। क्या नाम है जी? विनोद कुमार जी। क्या समस्या है? समस्या तो ये देखो, ये लगा के चलो कि सड़क टूटी हुई है थोड़ी, वहाँ पे मतलब साइडों में साफ भी है, लोग थोड़ी तेजी से भी आते हैं, ये अम्बाड़ा रोड से होके आते हैं या डांड रोड से होके आते हैं, और यहाँ पे तो गाड़ियों के जाम ही लग जाता है बिल्कुल, मतलब अगले को रोक के चलानी पड़ती है बिल्कुल ब्रेक लगा के, हम इसी समस्या से परेशान है बिल्कुल। और हमारा शीशे का काम है यहाँ पे, और बजरी कंकर लग के शीशे भी टूट रहे हैं हमारे। हम तो मांग तो ये कर, विधायक जी से बोला है, प्रधान जी ने बोला है, दलबीर जी ने बोला है, पहले भी बोला है हमने, बल्कि मनीष कठवाड़ जी के डैडी आए थे उनको भी बोला था हमने, वो कहते कोई नहीं हो गया काम करा रहे हैं अभी। कितने समय से टूटी हुई है सड़क? ये लगा के चलो जी 2-3 महीने तो हो गए जी इसको, एक साल पहले बनी थी और 3 महीने टूटे, टूट गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मांग क्या है कि जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए? तो उम्मीद है विधायक जी से, लीला राम जी से। देखो अपने तो हमने तो आपके थ्रू आपके वहाँ से कह दिया, आपके माध्यम से कह दिया कि बनवाएंगे, मर्जी है उनकी, मालिक है वो। क्या नाम है? महेंद्र शर्मा जी। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी, यहाँ सड़कें डेली एक्सीडेंट होते हैं, हमारा यहाँ पर गैरेज है, गैरेज से बाहर निकलती हुई गाड़ी आती है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है,
डेली एक दो तीन डेली एक्सीडेंट होते हैं। क्या दिक्कत है उसकी? ऐसी ऐसी सड़क बहुत टूटी फूटी है, सड़क से एकदम गाड़ी उछलती है तो स्टेयरिंग संभाल नहीं पाते, अपना वो गुवा देते हैं ड्राइविंग। हाँ, हमारी भी बाइक कल यहाँ खड़े थे हम साइड में, गाड़ी यहाँ से आके मेरी बाइक में दर्द छोड़ी, सभी लाइटें लूटे सभी फूट गई। फिर हम क्या कहें तेरे को, कह रहे सर खड्डे हैं इसलिए। मकान पास में ही है तो क्या ये? हाँ हम बस दो कदम पे है जी, एक डेढ़ किलोमीटर, एक दो बार कई बार गए उनके पास लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की इस बात के बारे में। हम सभी पड़ोसी एक दो बार उसमें बोला भाई ऐसे ऐसे सड़क खराब है जी, कोई नहीं बना देंगे जी, कोई नहीं बना देंगे। हाँ।